वो आता है रात को 2 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे। तो ये मना करती थी, गाली निकालती थी, भाई तेरे लड़ू क्यों आता है, हम दरवाजा देखो लेंगे। नशा वगैरह भी करता था, गांजा पीता है ना, बोलने लगे चक्कू लेके आ गया, चक्कू लेके आ गया। उसके साथ 5-6 लड़के और थे, गली मोहल्ले में सबके सामने मारा है, या गली के अंदर ही भी, सामने दरवाजे के सामने। श्राद्ध का महीना है जहाँ हिंदू धर्म में बड़े बुजुर्गों पितरों को पूजा जाता है, दान सेवा की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। लेकिन एक हैरतअंगेज मामला जो है करोल बाग से सामने आया है, जहाँ पे एक पोते ने अपनी ही दादी की जो है बेरहम हत्या कर दी। मृतक का नाम आनंदी देवी बताया जा रहा है और अभी उन्हीं के पति मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करेंगे और पूरे मामले को जानेंगे। सर आपका नाम? मोहनलाल। हुआ क्या था सर? पता नहीं मुझे तो बाहर, पता नहीं मैं लेटा हुआ था तो बाहर झगड़ा हो रहा था, दवाइयों से मुझे होश ही नहीं था। अच्छा, आपने दवाई ले रखी थी, किस चीज़ की? मेरे हार्ट की, टीबी की, और ये दो अटैक पड़े हुए 8 तारीख को। ये झगड़ा हुआ क्यों था और किस वक्त ये झगड़ा हुआ? झगड़ा था जी, बात यही थी कि तीनों माँ बेटे लड़ाई कर रहे थे ऊपर, मुझे इतना पता। ऊपर रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे। तो वो नीचे उतर के जाने कर रहा था क्रिश, तो इसने हमारी बहू ने आनंदी ने, क्रिश कौन सर, आपका पोता, इसने दरवाजा नहीं खोला। वो खुद तक हुआ दरवाजा खोल दी थी तो वो भाग गया था। सर वो कहाँ जा रहा था आपका पोता? पता नहीं ये कहाँ जा रहा, मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर लेटा हुआ था। तो उनकी मम्मी उन्हें रोक रही थी जाने से? उसकी मम्मी थी ही नहीं यहाँ पे। कहाँ थी? काम पे गई थी, तो लड़की थी उसकी बहन थी बस। तो फिर आपकी वाइफ रोक रही थी? हाँ नहीं, रोक तो कोई अड़ोसी पड़ोसी रोक रहे थे, किराएदार थे वो रोक रहे थे। क्यों रोक रहे थे? कि झगड़ा बस करो भाई, अलग अलग हो जाओ बस। किससे झगड़ा कर रहे थे? दोनों दादा पोती। अच्छा, उनकी दादी से ही झगड़ा हो रहा? हाँ। कारण पता चला क्यों झगड़ा हो रहा? पता नहीं कोई कारण का। पहले कभी ऐसे झगड़ा हुआ है? नहीं, पहले इतना वार था, जो जितना कल हुआ ही था। मतलब कैसे मारा, किस चीज से वार किया? ये नहीं पता, ये मैं बता रहा आपको, मैं वहाँ जाके बैठ गया था, बोलने लगे चक्कू लेके आ गया, चक्कू लेके आ गया। उसके साथ 5-6 लड़के और थे, और लोग थे, उसी के दोस्त थे? उसी के दोस्त थे, और किसी का दोस्त नहीं, कोई जानने वाला था। उसी के 5-6 दोस्त थे। कौन कौन है, शक्ल जानता हूँ मैं, नाम नहीं जानता किसी का भी। तो चाकू लेकर क्या मतलब, आपके पोते के पास पहले से चाकू था या उनके दोस्तों ने चाकू दिया? अब ये नहीं होता, पोते के पास तो नहीं था ये। क्या लग रहा है, क्या उसके जो दोस्त थे उन्होंने भड़काया? क्या पता है दोस्तों ने भड़काया या किसी और ने भड़काया, लेकिन चाकू किसी के पास नहीं था। अच्छा, ये घटना को अंजाम किस जगह दिया गया? ये सामने ही, मतलब गली मोहल्ले में सबके सामने मारा है? या गली के अंदर ही, बिल्कुल सामने दरवाजे के सामने। किस हालत में आपकी वाइफ मिली थी? मैं देखा, एक बार देखा थी जो नीचे पड़ी थी, जब उसको चार पाई डाल के ले गए ना, जब देखा था मैं। आस पड़ोस में किसी ने देखा था ये होते हुए? कोई बोलेगा नहीं, बताया नहीं कोई भी, किसी ने बताया नहीं ना, तमाशबीन होके खड़े थे सब, खड़े थे लेकिन बताया कोई भी नहीं, क्योंकि लफड़े में पड़ता ही नहीं कोई भी। सिर्फ आपका पोता ही इस चीज़ में शामिल था या दोस्तों ने भी साथ में हमला किया? ना दोस्तों ने कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ यहाँ झगड़ा होता देख रहा था। किसी ने झगड़ा करा, किसी ने मारा, मुझे कुछ नहीं पता। रोकने की कोशिश नहीं की, बीच बचाव में कोई नहीं आया? चाकू लेके कभी बीच में खड़ा था, कौन आज बीच में जाएगा जी, कौन जाएगा बीच में? कोई नहीं आया मतलब बचाव? कोई नहीं आया जी। आपकी वाइफ की एज क्या थी? 60-65 साल होगी। वैसे पोते और आपकी वाइफ का मतलब दादी का रिश्ता कैसा था, मतलब झगड़े वाला था या? वाला था, इनका दोनों से झगड़ा वगैरह रहता? आए दिन रहता था। किस बात पर आए दिन लड़ाई होती रहती थी? वो आता था काम ज्यादा करता नहीं है। कितने साल का है आपका पोता? 17 साल का। नाबालिग है वो? हाँ 17 साल का, भी नहीं पूरा हुआ। वो आता है रात को 2 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे। तो ये मना करती थी, गाली निकालती थी, भाई तेरे लड़ू क्यों आता है, हम दरवाजा देखो लेंगे। हम 11 बजे ताला लगा देते दरवाजे। नशा वगैरह भी करता था? गांजा पीता है ना। घर में भी ऐसे मतलब किया है कभी? नहीं, बाहर ही पीता, जो कुछ करता बाहर। मतलब गलत संगति में आपका बेटा? बाहर पोता, घर में कुछ नहीं करता, बाहर ही करता जो कुछ करता। आपका बेटा वैसे कहाँ है? मर गया वो तो। वो कब एक्सपायर हुए थे? 10 साल हो गए मरे हुए। किस कारण से? पीलिया वगैरह बताया था ना अभी आपको। फिर घर का खर्चा वगैरह कैसे चल रहा? काम कर रही थी लगी बहू। आपकी बहू काम कर? हाँ। और लड़का कुछ नहीं करता था? छोटा लड़का तो कुछ कर पड़ता है वो। कितने मतलब कितने पोते थे वो? 2 पोते हैं, एक बड़ा है एक छोटा। और ये किया किसने? बड़े पोते? बड़े पोते ने। और
वैसे वो कुछ काम नहीं करता, पढ़ाई लिखाई चल रही थी? पढ़ाई तो लिखाई तो कर दी थी, छोड़ दी थी पढ़ाई लिखाई, जब से यार दोस्त पकड़ी गई है। नशे की आदत कब लगी? पता नहीं जी, हमें तो पता ही नहीं, अब नशे बात थोड़ी बताएगा, मैं नशा कर रहा हूँ। पता तो आपको चला होगा ना, किस वक्त पता चला कि नशे वगैरह में? हमें नहीं पता, बाद में पता लगा था जी, अब कोई नशे बात थोड़ी बताएगा, मैं नशा कर रहा हूँ। जब हमला किया था आपकी वाइफ पे, तब भी क्या नशा कर रखा था? बाहर था, मैं अंदर था। अच्छा, आप बाहर थे? मैं बाहर था। वैसे फैमिली में कोई था वहाँ पे उस वक्त, था मौजूद? नहीं सर, वो एक ले आन मेरी, वो कोई नहीं था, मतलब वैसे आस पड़ोस के लोग? आस पड़ोस थे लेकिन बोल नहीं रहे कोई भी। अच्छा, कोई बोलने को तैयार? बोलने को तैयार ही है। अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अभी पता नहीं, हमारे को तो कोई आया ही नहीं। किसी को पकड़ा? पोते को पकड़ा? पकड़ रखा है, जो भी पकड़ लिया था। पोते ने कारण नहीं बताया? ना, कोई आया ही नहीं अभी हमारे पास। अरे आएगा भी तो हम क्या बताएं कारण, भाई कोई आएगा भी तो हम क्या बताएंगे, हमें क्या पता जी। माँ से कुछ पूछताछ नहीं हुई? पता नहीं जी, मैं तो क्या मांगे आपकी? हमारे तो कोई मांग नहीं है जी, हमारे तो अभी कोई आया ही नहीं अभी हमारे को पूछताछ के लिए। सर, ये श्राद्ध का महीना चल रहा है और इसी महीने में मतलब ऐसे अपने बड़े बुजुर्गों का चले जाना, क्या लगा, कितना बुरा है? बहुत बुरा है जी, क्या करें। दादी और पोते का रिश्ता जो सबसे प्यारा रिश्ता माना जाता है, आज आपने देखा कैसे ये रिश्ता चकनाचूर हो गया। एक नाबालिग ने गुस्से में आकर जो है अपनी ही दादी की हत्या कर दी। अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर क्यों मारा गया था, और साथ साथ में ये बताया जा रहा है कि बीच गली में जो है ये पूरा हत्याकांड हुआ था, और कोई ना तो बीच बचाव में आया, ना ही इस हत्या को होने से पहले किसी ने रोका। और वैसे ही श्राद्ध का महीना जहाँ पर बड़े बुजुर्गों को, पितरों को पूजा जाता है, और ऐसी घटना का सामने आना काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। तो देखते हैं कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है, पोते के खिलाफ क्या एक्शन होता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।